जी हाँ, नमस्कार। आपका यूथ यूनियन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हल केवल शिक्षक भर्ती है। जी हाँ, आजकल आप अजीबोगरीब सीएम के वक्तव्य सुनते होंगे, देखते होंगे कि फिजिक्स का टीचर मैथ पढ़ा सकता है, दूसरे विषय के टीचर दूसरा विषय पढ़ा सकता है। सीएम का कहना है कि उनके समय भी ऐसा होता था, लेकिन शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र पहले भी हुई है। ट्रांसफ़र पॉलिसी 2016 में बनी थी और 2016 में भी जब पहली ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुई तो कुछ हंगामे हुए थे, लेकिन 2022 के ट्रांसफ़र के बाद काफ़ी हंगामा है जो अभी तक थमा नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं तालाबंदी की खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि एक समाचार पत्र ने तालाबंदी की खबर को अपनी लीड खबर बनाया और बताया कि लगभग 2200 स्कूलों का गणित गड़बड़ा गया है, जिससे शिक्षा बंदी वाली स्थिति हो गई है। खैर, यह चिंताजनक हालत है, पर सरकार और शिक्षा विभाग इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि यह बयान दे रहे हैं कि शिक्षा बंदी की बात कुछ एक शिक्षक कर रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। सरकार के अपने तर्क हैं जो सच को छिपाया जा रहा है। आप सरकार हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि शिक्षा विज्ञानिकों का मानना है कि यदि एक शिक्षक खुद असंतुष्ट है तो सही से शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। तमाम शिक्षाविदों का मानना है कि बेहतर शिक्षा व शिक्षण व्यवस्था के लिए एक शिक्षक का मानसिक बौद्धिक रूप से शांत चित्त रहना बहुत जरूरी है, मगर पता नहीं क्यों और किस कारण से वर्तमान दौर में तमाम शिक्षा वैज्ञानिकों शिक्षा शास्त्रियों की बातों को नकारा जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए, इस गड़बड़ी को जो है सरकार को खुद समझना चाहिए। आपको बता दें कि जो दूसरी तरफ सरकार विभागों को यह सोचना होगा कि जिस तरह से काम नहीं बनने वाले, क्योंकि इसी ट्रांसफर में गलत तरीके से की गई रेशनलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन से मॉडल स्कूलों का ऐसा गणित गड़बड़ाया कि मात्र एक दो शिक्षक ही बचे, पर अब सेंटर से सामान्य स्कूलों से टीचर मॉडल स्कूल में जाएंगे तब सामान्य स्कूलों का जिनका गणित पहले से ही गड़बड़ाया है और गड़बड़ाया जाएगा। इसका हल मात्र एक ही है कि शिक्षकों के पदों पर भर्ती करनी ही पड़ेगी, स्थायी पद भर्ती भी ही एक विकल्प है। साथ ही वर्कलोड को ऐसे मत बांटिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता ही खत्म हो जाएगी। जहाँ तक बात करें वर्कलोड की, तो शिक्षकों ज़्यादा वर्कलोड अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी पर नहीं है, क्योंकि यही शिक्षक सैकड़ों तरह के गैर शैक्षिक कार्य बखूबी कर रहे हैं, पर खर्चे कम करने के नाम पर भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिएगा। खैर, सरकार जरूर इस ओर ध्यान देगी। बोलते रहिए जय राम जी की, क्योंकि बलि तो करेंगे राम जी ही। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए कि विकल्प है, अगर आप अच्छी प्रकार से शिक्षा देना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, तो हरियाणा में परमानेंट शिक्षक भर्ती चाहिए, चाहे DGT हो, चाहे PGT हो, चाहे PRT हो।